Citylive, a platform to sharing your thoughts. जयपुर के होटल क्लास आमेर में नियोकॉन 2019 का सफल आयोजन हुआ और इसकी सफलता के पीछे इसकी आयोजन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर धनंजय मंगल थे और उनकी टीम. इनसे बात करते हैं किस तरह का ये आयोजन रहा और क्या आउटकम रहे. डॉक्टर मंगल, ये बहुत ही सफल रही है कॉन्फ्रेंस. ये नियंटल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें नवजात शिशुओं में होने वाले परेशानियां और उनसे कैसे अपने को नए नए उपचार कर सकते हैं, कैसे उसको टाइम से हम ट्रीट कर सकते हैं. इनमें देश विदेश से बहुत सारे डॉक्टर्स आए थे. इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सत्र में अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया. उस प्रेजेंटेशन के बाद बहुत सारे इंट्रैक्शन हुए, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े गए. इसके साथ साथ ही नर्सिंग का भी एक पूरा सेशन हुआ 3 दिन का, जिसमें कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के सांस की तकलीफ है तो अपने को NRP कोर्स है, KMC का डेवलपमेंट सपोर्टिव केयर के लिए, इसके लिए उन्होंने स्पेशल डॉक्टर सैन गुप्ता ने बोला. ऐसे करके बहुत सारे सत्र हुए. वी आर वेरी थ्रिल्ड. इट्स अ ग्रेट सक्सेस ऑफ दिस नियोटल कॉन्फ्रेंस. दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑफ द वेस्टर्न जोन कॉन्फ्रेंस विच इज ऑर्गेनाइज वेरी वेल एंड अराउंड 650 डॉक्टर्स ने इन्होंने भाग लिया इसमें और सब ने बहुत एंजॉय किया एकेडमिक्स के साथ साथ. शाम को उन्होंने बैंक्वेट में भी काफ़ी आनंद लिया. मैं मानता हूँ अल्टीमेटली इस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य था कि हम अपने नवजात शिशु से होने वाले उनकी परेशानियों से हम कैसे और बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसका हमने हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा उनके लर्निंग हुई. उससे मुझे लगता है कि जब यहाँ से सीख के जो सरकारी या गैर सरकारी डॉक्टर्स या नर्सें जो जाएंगे, वो उसको जो बच्चों का ट्रीटमेंट में नवजात शिशु का जो ट्रीटमेंट है उसमें बहुत फ़ायदा होगा और जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है उसमें काफ़ी कमी आएगी. जो भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की या यूनिसेफ की, गवर्नमेंट GOI इनकी सबकी जो टारगेट्स हैं वो हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. धन्यवाद. इस कॉन्फ्रेंस की सफलता के पीछे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सेक्रेटरी डॉक्टर महेंद्र जैन का बड़ा योगदान है. इनसे जानेंगे कि कितनी बड़ी चुनौती होती है इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना और साथ ही इसे सफल बनाना. इस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ राजस्थान अकेला नहीं बल्कि हम 5 स्टेट थे. राजस्थान था, गुजरात था, महाराष्ट्र था, दमन दीव और गोवा थे. तो सारी जगह सारे स्टेट्स के जो पीडियाट्रिशियन थे, बच्चों के डॉक्टर थे, उन सबको कोऑर्डिनेट करना, सबको एक साथ लेना, उन सारे राज्यों की क्या क्या समस्याएं हैं नवजात शिशु के लेके और दूसरी समस्याएं क्या हैं, वो सारी चीज़ों को इकट्ठा डिस्कस करना. तो NNF इंडिया के द्वारा ये हमारे लिए कॉन्फ्रेंस दी गई, उनके डायरेक्शन में हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया. सारे स्टेटों को एक साथ इकट्ठा किया, उनकी समस्याओं को साथ में लिया, उन सब टॉपिकों को सिलेक्ट किया जिससे कि उन समस्याओं का निदान हो सके और जो नवजात बच्चे हैं उनके बीमारियों का निराकरण हो सके. इसके लिए हमने जो डॉक्टर्स जो फैकल्टी सिलेक्ट की वो सारी हाई एंड फैकल्टी थी. डेट्स वगैरह को लेके बहुत प्रॉब्लम्स थी, धीरे धीरे उन सबको सॉल्व किया और ऐसा करते करते हमारे लिए इसकी तैयारी करते 3 मंथ्स का टाइम लग गया. फिर जब हमारा इसके बाद ये हुआ, एक हमारे पास स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, तो इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए हर कोई इच्छुक था. राजस्थान नहीं, राजस्थान से बाहर भी थे. ऐसे करके इनमें 500 डॉक्टरों ने भाग लिया. प्राइवेट डॉक्टरों ने, गवर्नमेंट डॉक्टर ने, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया. गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से 60 नर्सेस आए और 40 डॉक्टर्स आए. नियोकॉन 2019 में दिल्ली से आए हैं डॉक्टर अमिताभ सेन गुप्ता. इनसे बात करेंगे कि इन्होंने किस टॉपिक पर यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया. क्या रहा सर आपका यहाँ पर और आपका जो टॉपिक है कितना रिलीवेंट है आज के दौर में. इनोवेशन एंड सॉल्यूशंस इन न्यूनेटल केयर. और मेरा जो टॉपिक था है कि डेवलपमेंटल सपोर्टिव केयर इन प्रीमी बेबीज एंड न्यूरो प्रोडक्शन इन NICU. यानी छोटे बेबीज जो प्रीटर्म होते हैं उनका आगे का न्यूरो डेवलपमेंटल आउटकम कैसे से ठीक रहा जाए, न्यूरोलॉजिकली नॉर्मल रहे और फ्यूचर में नॉर्मल बेबीज और चिल्ड्रेन और एडल्ट्स हो जाएं, इसका जो मेन प्रोग्राम है और कैसे हम NICU में न्यूरो प्रोटेक्शन इन बेबीज़ का किया जा सकते हैं. लोग आजकल जो बर्थ है उसको प्लान करने लगे हैं
कुछ गुड लक के लिए या अपना वो पर्टिकुलर डेट को क्या ये जो इस तरह की जो डिलीवरीज हैं इसके बाद कोई इस पर कंट्रोवर्सी भी काफ़ी है, लोग इस पर काफ़ी बातें होती हैं कि सही है या गलत है, आप क्या कहेंगे? ये तो मैं ऐसे तो पूरा कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट मेरा यही है कि जो नेचर इज द प्राइमरी रूल ऑफ लाइफ, जो नेचर के अनुसार जो हो रहा है वो होता है, बट नेचर के अनुसार अगर कोई नुकसान होने वाला है, जैसे प्रीटर्म बर्थ होने वाला आपको पहले लगे, तो वो प्रीटर्म बर्थ को प्रिवेंट करना चाहिए ताकि बेबी थोड़ा और मैच्योर हो जाए। बट जो फुल टर्म बेबीज़ हैं जिनके कोई डेट्स, लोग डेट्स मतलब कोई ओकेजन के अनुसार या रिलीजियस मोड में प्लान करके करते हैं, तो उसके बारे में कुछ खास कमेंट तो नहीं करूँगा वैसे, बट हेल्थ के अकॉर्डिंग या फ्यूचर के ऐसे या उसके मानसिक विकास में कहीं कोई बाधक हो सकता है? ऐसा बेसिकली ये जानना पड़ेगा कि 37 वीक पूरे होने पे टर्म बेबी हो जाता है, बिलो 28 वीक्स इज एक्सट्रीमली प्री टर्म, 28 से 32 इज वेरी प्री टर्म, 32 से लेके 34 इज मॉडरेट प्री टर्म एंड 34 से लेके 36.6 इज लेट प्री टर्म। तो टर्म हो जाना चाहिए, और टर्म अगर कुछ करना भी है 39 वीक्स के पहले कोई इलेक्टिव सीजीरियन रूटीन में होना नहीं चाहिए, जो पहले कर देते हैं उससे नुकसानजनक हो सकता है। ये वेस्ट जो नियोकॉन थी इसमें कई स्टेट से, गोवा और दूसरे स्टेट से, राजस्थान, इन सब के जो नियोनेटोलॉजिस्ट आए हैं बाहर से भी आए हैं, और बहुत बड़ा इसका फल सबको मिलेगा, राजस्थान के बच्चों को, खासतौर से नियोनेट्स को। इसमें सब तरह के नियोनेटल प्रॉब्लम्स हैं, जन्म से लेकर क्या क्या उनको परेशानी होती है, सांस की तकलीफ, RDS, जॉन्डिस, पीलिया होना, उनका लो बर्थ वेट होना, हार्ट की बीमारियां जन्मजात होती हैं, उन सब पे विस्तार से चर्चाएं हुई हैं। और जो भी लास्ट सेशन चल रहा था बहुत ही फ्रूटफुल था कि जो बच्चे आज की आज नियोनेट होता है कैसे इन्फेंट मॉर्टेलिटी को कम किया जाए। एम्स में नियोकॉन 2020 का आयोजन किया जाएगा और यह कॉन्फ्रेंस याद रखी जाएगी सफलता के लिए। इसमें कई सारे आउटकम्स, कई सारी ऐसी गंभीर विषयों पर चर्चा की देश भर के विशेषज्ञों ने, और इसके पीछे, सफलता के पीछे सबसे बड़ा प्रयास रहा डॉक्टर धनंजय मंगल और डॉक्टर महेंद्र जैन की टीम का। कैमरामैन मोहन सिंह के साथ BK शर्मा, सिटी लाइव, जयपुर। Citylive, a platform to sharing your thoughts.